नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज करने वाले हैं। और बात करें आज का, हर वीडियो की तरह आज के वीडियो का कटआउट 30 है। तीन पोर्शंस के प्रश्न इसमें इंक्लूड रहेंगे, एक जीके, एक साइंस, एक करंट अफेयर्स। तीनों मिक्सअप करके चलना है। जैसा कि लिखा है अब लग जाओ तैयारी में, तो अब आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि एनटीपीसी की परीक्षा की अपडेट कभी भी आ सकती है परीक्षा तिथि को लेकर। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाई छोड़ना नहीं है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ एग्जाम को लेके तो हम बैठ जाए। ऐसे ही तो आप बैठ जाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे, इसलिए आप यहां पे पढ़ते रहो। साथ में प्रैक्टिस सेट के लिए आपको यहां पे डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ में इंपॉर्टेंट वीडियोज भी मिलती रहे, उसको अपलोड करते रहो। जल्दी ही मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाने वाला हूं। और जो लोग पीडीएफ ले रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयर, साथ में आपको मैथमेटिक्स और साइंस की पीडीएफ अवेलेबल है। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में है। कहीं पर भी कोई डाउट होता है अगर जो पीडीएफ लेने में, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 12वां सीरीज है ये, और 30 आज का कट ऑफ है। जो लोग 30 प्लस क्वेश्चंस करेंगे उनकी तैयारी अच्छी है, और वो लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो उसी क्रम में आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत अगर जो अच्छी होती है ना, तो सब कुछ सही होता है। तो इसलिए कोशिश करिए, किस यूरोपीय क्लब की ओर से फुटबॉल खेलने वाला पहला भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खिलाड़ी कौन था? किसी यूरोपीय क्लब की ओर से फुटबॉल खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो इसका आंसर मैं 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, इसका आंसर होगा मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, अगर जो एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, इनका उपनाम किस उपनाम से जाना जाता था? तो द इंडियन जगलर नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन पूछे कि द इंडियन जगलर नाम से कौन जाना जाता था, तो मोहम्मद सलीम। और किसी यूरोपीय की ओर से फुटबॉल खेलने वाला पहला भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो मोहम्मद सलीम, इसको ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माउंट कंचनजंगा क्या है। तो कंचनजंगा, ध्यान रखिएगा, विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। और बात करें यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात करें कंचनजंगा की, इसका कुछ भाग नेपाल में तथा कुछ भाग सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, और सिक्किम की बात करें, सिक्किम के पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। कंचनजंगा की मुख्य चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और नेपाल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसको आइए बातें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 अक्टूबर 2015 को मुख्य कंपनी गूगल से अलग बनने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो ये गूगल एक गूगल से अलग हो गई थी, कौन सी कंपनी ऐसी थी जो 2015 में गूगल से अलग होके अपनी एक नई कंपनी बना ली थी? यहाँ पे बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा अल्फाबेटिंक, ऑप्शन नंबर बी, अल्फाबेटिंक, जो पहले गूगल के पास थी, गूगल से अलग होकर 2015 में ये दूसरी कंपनी बन गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री के सम्मान में ट्रांबे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पुनः नामकरण इनके नाम पर किया गया? तो ट्रांबे में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नामकरण पुनः किया गया किस भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री के नाम पर? तो ध्यान रखिएगा, ये होमी जहांगीर भाभा के नाम पर किया गया था। बॉम्बे ट्रांबे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम यहाँ पे चेंज कर लिया गया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट बात करें। एक अज्ञात भारतीय का जीवन चरित्र, द ऑटो बायोग्राफी ऑन ऑफ एन अननोन इंडियन, अगर जो हिंदी में बोले तो हिंदी आप मत पढ़िए, द ऑटो बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा नीरद सी चौधरी, इसके लेखक है कौन? द बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। एक क्वेश्चन एनटीपीसी, एक क्वेश्चन ग्रुप टू में किताबों से पूछा जाना है, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान में डीएनए का विस्तृत रूप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का विस्तृत रूप है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का विस्तृत रूप है, इसको ध्यान रखिएगा। आरएनए पूछेगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें हैं, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है ये बताइए। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसे द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द आउटर फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। तीन नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन, द आउटर फोर्ट्रेस। अब यहाँ पे आप एक ड्रैगन नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ चाइना से रिलेटेड आता होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चीन की महान दीवार। तो चीन की महान दीवार को तीन नाम से जानते हैं, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द आउटर फोर्ट्रेस, ये तीन नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ लोग बोल रहे थे, कमेंट किए थे इसके पहले वाले 11वें वीडियो में कि सर बहुत तेज पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप तेजी से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं आता तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वोनाइजेशन धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है, किससे सुरक्षित रखती है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में भी, साथ में हमने प्रैक्टिस सेट की है उसमें। लोहे पर जस्ते की एक सुरक्षित परत चढ़ाई जाती है किससे बचाने के लिए, जंग से। ऑप्शन नंबर बी यहां का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2016 में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ ले जाया गया 2016 में, जनवरी 2016 में इसरो का जो मुख्यालय था उसको कहाँ ले जाया गया। तो इसको कहाँ ले जाया गया, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ ले जाया गया, बेंगलुरु, जो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बात करें इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसएम का विस्तारित रूप क्या है, जीएसएम आप सिम यूज करते हो, जीएसएम बोलते हो ऐसे, सीडीएम में पहले आता था, रिलायंस में जीएसएम है, सीडीएम में कौन सा सिम है। तो जीएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, खगोल शास्त्र में दूरी मापने के लिए किस लंबाई मात्रक का प्रयोग किया जाता है, खगोल शास्त्र में दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का, क्या बोलता है, मैंने लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। अगर जो एक लाइट ईयर बराबर पूछे तो 9.46 इंटू 10^15 मीटर के बराबर होता है, अगर जो किलोमीटर में दे दे तो 9.46 इंटू 10^12 ये किलोमीटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 9.46 × 10^15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो खगोल शास्त्र में दूरी मापने के लिए किस लंबाई का, अब ये इतना बड़ा होता है तो उस बड़ा यूनिट चाहिए ना, अब मीटर में थोड़ी नापोंगे उसको, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार मुख्य तत्व कौन से हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार मुख्य तत्व है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा किसके चारों ओर अंतरिक्ष में परिक्रमण करने के लिए पृथ्वी की निम्न परिक्रमण कक्षा से हटाने की योजना बना रहा है, नासा किसके चारों ओर अंतरिक्ष में परिक्रमण करने के लिए पृथ्वी की निम्न परिक्रमण कक्षा से हटाने की योजना बना रहा है। तो ये बात करें, नासा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नासा ने दिसंबर 2015 में मानव एक अंत महत्वाकांक्षी अन्वेषण कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को निम्न पृथ्वी पर कक्षा में चंद्रानुकूलन अंतरिक्ष यात्रा के लिए यह किया था। इसको यहाँ पे ये सब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यही ध्यान रखिएगा, नासा किसके चारों ओर अंतरिक्ष में परिक्रमण कराने के लिए पृथ्वी की निम्न परिक्रमण कक्षा से हटाने की योजना बना रहा है, तो चंद्रमा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तटीय मंदिर या सोर टेम्पल कहाँ स्थित है, तटीय मंदिर, सोर टेम्पल कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, भारत का प्रथम उपग्रह, फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में आया है और कई लगभग एक बार मुझे याद है रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में, दूसरी बार ही आ रहा है, तो आर्यभट्ट होता है भारत का प्रथम उपग्रह। देखो प्रैक्टिस सेट देने से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कितना मज़ा आ रहा है, मतलब प्रैक्टिस करते रहो डेली 40-40 क्वेश्चन, हमें ये भी पता रहा हमारी तैयारी कैसी है, तो कितना मज़ा आता है, ठीक है। तो डेली आप लोग ज्वाइन करो और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है, लाइक करो वीडियो को, कमेंट जरूर करते रहो आप लोग, जितने लोग देखो सब कमेंट करो, भले जितना क्वेश्चन करो, 1, 2, 10 करो तब भी बताओ। निम्नलिखित से कौन समान है, समान सर्दी जुकाम, दाद आ खाना, काली खांसी,
सामान्य सर्दी जुकाम, दाद, आखाना, काली खांसी, इनमें से कौन समान है? ऑप्शन पढ़ोगे आप, इसमें ऑप्शन क्या दिया, ये सभी गैर संक्रामक बीमारियां हैं, इन सभी का इलाज संभव नहीं है, तो इलाज तो संभव है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। इन सभी का इलाज संभव है, तो इलाज संभव है, ये भी सही आपका हो गया। कौन समान है? इनमें से किसी का रोकथाम संभव नहीं है, ये गलत हो गया। ये सभी गैर संक्रामक बीमारियां, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी गैर संक्रामक बीमारियां हैं जो किसी रोग पीड़ित अथवा व्यक्ति के संपर्क में सीधे संचारित हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वी लुइस माउंटबेटन के स्थान पर किसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन की जगह पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू केंद्रित या जियोसेंट्रिक और सूर्य केंद्रित हेलियोसेंट्रिक के लिए कौन सा परिभाषा शब्द प्रयुक्त है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ग्रहों और पिंडों की गति से संबंधित नियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का विस्तार, रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, मुझे याद है 12 सेट हमने किए, 12वां सेट कर रहे हैं, ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? रैम का। रोम पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी, दोनों याद रखोगे, ठीक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रशांत महासागर का संबंध सागर से है तो बंगाल की खाड़ी का संबंध किससे है? तो बंगाल की खाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? खाड़ी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो 1905 बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित उप परमाणु कण है, ठीक, धनावेशित तो हो ही नहीं सकता, आवेशित यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो ये पी माइनस लिखते हैं, तो ऋण आवेशित उप परमाणु कण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल क्या है ये बताना आपको, तो सबसे पहले विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और यह एक म्यूजियम या संग्रहालय है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा विंड कंपनी द्वारा निर्मित उस टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे भारत सरकार ने के ई लर्निंग प्रोग्राम के एक भाग के रूप में प्रमोट किया जाए? तो डाटा विंड कंपनी ने, यहाँ पे आकाश ध्यान रखिएगा, आकाश नाम से कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि भारत सरकार ये लगभग 2500 प्राइज पड़ रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ई लर्निंग के लिए, आप बच्चों को स्टूडेंट के लिए ये दिया जा रहा था, तो आकाश नाम है, डाटा विंड कंपनी का टैबलेट है। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 2015 में भारतीय रेलवे ने सीएनजी से चलने वाली ट्रेन की प्रथम ट्रेन की शुरुआत की। अब देखो इतना लंबा चौड़ा घुमा के पूछ दिया, सीधा साधा पूछ सकता था, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी, बस कुछ नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये सिर्फ एसी करंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये खतरनाक होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किस स्थिति में किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा? जब पृथ्वी के ध्रुवों पे वस्तु होगी तो उसका भार अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है?
रेशम कीट किस चरण में, किस चक्र में अपने अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग हेतु तंतु पैदा करता है? तो ध्यान रखिएगा ये प्यूवा, ठीक है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूपा बनने के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु पैदा करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत में सुर की कोटि किस पर डिपेंड होती है, किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर डिपेंड होती है? वायु, सॉरी, ये डिपेंड होती है आपका मौजूदा हारमोनिक यानी कि सन्नाद पर, सन्नाद पर डिपेंड होती है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुदाब को मापने का यंत्र है, वायुदाब किससे मापा जाता है? तो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? टोरी सेली ने बैरोमीटर, अभी तक पूछा नहीं है एग्जामों में लेकिन ध्यान रखिएगा टोरी सेली। नेक्स्ट है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? स्वादन से आशय है स्वाद से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? किसी तरंग में उसकी प्रबलता निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो किसके अनुपात में होती है? आयाम के वर्ग के अनुपात में। नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यंत्रों की निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राउटर प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रोमेथाजाइन दवा का प्रयोग एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। श्वेत प्लेग का आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा टर्बुक्युलोसिस, जिसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के नाम से जाना जाता है। और यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो मुख्यतः लंग्स को यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करती है। श्वेत प्लेग को किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग से नाम जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन थे, आशा है आपके ने लगभग 30 प्लस किए होंगे, और जो लोग कम भी किए होंगे वो लोग भी कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।